आचार्य तारानंद स्वामी ने कहा था कि जो भक्त आत्मा शुद्ध दृष्टि, मतलब जो भक्त जीव अपने स्वभाव को देखते हैं, वह शुद्ध सम्यक को जानते हैं, अनुभव करते हैं, या ऐसा कहो उन्हें शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकार हो जाता। सीधी सरल सी बात है, शुद्ध तत्व को देखना ही शुद्ध सम्यक दर्शन है और कोई नई बात नहीं। वैसे यदि पर्याय अपेक्षा से शुद्ध सम्यक दर्शन सीधा अरिहंत परमात्मा को, सिद्ध भगवान को पर्याय अपेक्षा से, सत्ता अपेक्षा से प्रत्येक द्रव शुद्ध है। और द्रव शुद्ध है तो द्रव के गुण भी शुद्ध है, और जो उस शुद्ध द्रव को देख रहा है वो शुद्ध दृष्टि शुद्ध सम्यक से युक्त है, अर्थात शुद्ध सम्यक की साधना कर रहा है।
तो तारण स्वामी कह रहे हैं जय शुद्ध दृष्टि सम्यक शुद्धम, जो सम्यक से शुद्ध है माला गुणम कंठ हृदय वो अपने हृदय और कंठ के बीच में रत्न त्रय की माला को झूलते हुए देख रहे हैं। हृदय और कंठ का पता है ना, याद है? कंठ मतलब मति ज्ञान, हृदय मतलब उनके मति और शब्द ज्ञान के बीचों बीच ये रत्न त्रय की माला क्या होती है, झूलती है। तत्वार्थ सार्थम च करोति, वही जीव जिनके मति शुद्ध ज्ञान में अपने रत्नत्रय की माला झूल रही है उन्हीं जीवों का निष्कंटक मोक्ष मार्ग चल नित्य। देखो भैया, मोक्ष मार्ग घंटे दो घंटे साधना करने की वस्तु नहीं। अपन क्या सोचते हैं कि मंदिर आ गए, पूजा कर ली, पाठ कर ली, स्वाध्याय कर लिया, या फिर उपवास कर लिए, नियम कर लिए, व्रत कर लिए, इसलिए मोक्ष मार्ग चल। अपन ऐसा सोचते हैं ना, इसलिए अपने मोक्ष मार्ग की साधना कितनी रहती है, मंदिर में आ जाओ आधा घंटा एक घंटा, या 10 दिन पर्यूषण में उपवास कर लो, या फिर माला फेर लो। अपने को मोक्ष मार्ग की साधना कहाँ दिखती है भैया, बाहर की क्रियाओं में दिखती है ना। इसलिए अपन आधा घंटा, एक घंटा, 10 मिनट 15 मिनट उतना ही कर पाते हैं। लेकिन भैया जिन्हें पता है, जो भगवान की वाणी को श्रवण कर रहे हैं, उन्हें पता है कि दिन का छोड़ो रात में भी मोक्ष मार्ग की साधना चलती। मोक्ष मार्ग की साधना बंद थोड़ी होती है, ज्ञानी साधना तो, या जैसे आत्मा की रुचि है उसे मोक्ष मार्ग की साधना बंद थोड़ी ना होनी। क्यों बंद नहीं होनी भैया? अरे क्योंकि मोक्ष मार्ग की साधना में बाहर का कुछ करना धरना है ही नहीं। तो क्या करना है, तारण स्वामी कह रहे हैं तत्वार्थ साधन करो की। एक बात बताओ, इसे बहुत सरल कह दे रहा था, बहुत सरल, क्या कि उसके मन से कभी तत्व का श्रद्धान हटता ही नहीं है। अब बताओ, जिसके मन में तत्व का श्रद्धान वस्तु का स्वभाव बना रहेगा उसकी साधना कैसे रुकेगी? तो कितना सरल है कि उसके अंदर से वस्तु का श्रद्धान, बाहर में जो संयोग है वो असत्य है, और जो मेरी चेतन सत्ता है या मेरा ज्ञान स्वभाव है या आनंद स्वरूप है वो सत्य है, ऐसा श्रद्धान उसकी प्रतीति से कहो या उसकी अंतर स्वीकारता से मिटता ही नहीं है। अब उसका ऐसा श्रद्धान जब मिटता ही नहीं है तो उसकी साधना कब रुकेगी? जब तक श्रद्धान है तब तक उसकी साधना को रुक सकती है। अपन उदाहरण देते हैं, जैसे कि जिनका भैया मन से रात्रि भोजन का त्याग है, यदि वो रात में यदि भोजन का सपना भी देखते हैं तो क्या कहते हैं, अरे रात में भोजन नहीं करते। जिनका मन से अंदर से जिनके यदि किसी चीज का व्रत लेते हैं, कोई अपन कोई व्रत लेते हैं और रात में सपने में यदि उसका दोष लगे तो अपन तुरंत नींद में ही उसका विरोध करते हैं। जैसे अपने रात में डर लगे अपन नींद में उसका विरोध करते हैं, अरे मुझे कोई क्या कर सकता, करते कि नहीं करते, सपने में भी होता कि नहीं होता, कुछ कुछ चीजों का विरोध सपने में भी होता कि नहीं होता, जो अनचाही चीजें हैं उनका अपन सपने में विरोध करते कि नहीं करते। तो भैया सपने में भी आत्मा थोड़े सोती गई, जीव थोड़े सो रहा, जीव का मन थोड़े सो रहा। आपके जो संस्कार है या फिर आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो मान्यता है, वो आपको सपने में भी जागरूक रखेगी, जागरूक रखेगी स्वप्न में भी। स्वप्न में भी यदि अपन किसी कुदेव अरे के सामने चले जाएं, यदि पूर्ण संस्कार का, तो स्वप्न में भी ये भाव आ जाता है क्या कि अदेव है, कुदेव है, मिथ्या देव है, इनसे अपना कुछ लेना देना नहीं। तो जब स्वप्न में इतनी जागृति रह सकती है, ये जागृति नहीं रह सकती क्या, ये सारा संयोग भिन्न है तो मैं आत्म से रुचि का काम आ रही है। जहां की रुचि होती है वहां का काम अपने आप बन जाता है। नहीं तो लोग तो भैया रात में भोजन छोड़ते हैं और रात में होटल में भोजन करते हैं, सपने में, सपने में, हकीकत में नहीं। भैया सामने से नहीं ले पा रहे तो रात में तुम सपने में ही कर लो। अब तो
संस्कार है, यदि हृदय से वो काम नहीं हुआ ना तो फिर उस चीज में वैसी प्रवृत्ति नहीं होता। ऐसे ही मोक्ष मार्ग नहीं है। हमने ये बात इसलिए इतनी रामायण से गाई क्योंकि तत्वार सार्थम च करोति नित्यम, इस बात को समझाना कि जिसकी रुचि होती है उसे उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय ये मोक्ष मार्ग की साधना चलती है। अपने निर्णय कर ले से पर्यूषण में मोक्ष नहीं जाया जाता, ना उपवास करते समय मोक्ष होगा और ना क्या बोलते हैं बाहर की एक दो घंटे की क्रियाओं से मोक्ष होगा। मोक्ष होगा निरंतर अपने स्वभाव का श्रद्धान रखने से। शुरुआत यहीं से करो भगवान जी कि कोई भी घटना घटती रहे लेकिन मेरे तत्व का बल कम ना हो, हर समय मुझे मेरा स्मरण बना रहे। सुरत की साधना करो, बार बार कह रहे हैं साधना मात्र सुरत की है, क्रियाओं की नहीं। साधना मात्र सुरत की है कि आपको आपके स्वभाव की सुरत कितनी गाढ़ी है और जितनी गाढ़ी आपका आपके स्वभाव की सुरत है उतनी आपकी साधना है। और भैया बाकी सब क्रियाओं के खाते में चले जाए, इसलिए साधना है स्वीकारता की, या तो यहाँ बैठ के तत्व को स्वीकार करो उसका श्रद्धान बलवल करो और जितना श्रद्धान बलवल आएगा उतनी देर सुरत रहेगी, बस इसका नाम है साधना। वही जो व्यवहार में हो रहा है सब वो इस सुरत के आश्रय से, हम रोज बता रहे हैं इस बार फिर रिपीट कर रहे हैं, इस सुरत के आश्रय पूर्वक जो तुम्हें व्रत होंगे वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होंगे। इस आत्मा की सुरत पूर्वक जो महाव्रत होंगे वो तुम्हारे निर्वाण में कार्यकारी होंगे। क्यों? क्योंकि व्रत महाव्रत और उपवास करने के बाद सुरत बढ़ेगी घटेगी नहीं। आज क्या होता भैया, आज ऐसा होता है कि हम व्रत उपवास करते हैं तो एक तो सुरत कहां बढ़ती, सुरत तो ये बढ़ती है काहे कि कल क्या बनाना था, परसों क्या बनाना है, आज क्या बनाना पड़ेगा, पर की सुरत थोड़ी पक्की करनी है, बाहर की क्रियाओं की सुरत थोड़ी पक्की करनी है, भोजन में भैया हरी नहीं बनाना प्रासुक बनाना है, ये सुरत थोड़ी बनानी है। ये तो विवेक है अपना कि भैया छह काय के जीवों की हिंसा ना हो इस निमित्त प्रासुक भोजन बनाना है, ये तो सदाचार है, ये तो जिनेन्द्र देव की आज्ञा है, लेकिन सुरत काय के रखना है, काय के रखना है बस। आपको जो बोलना हो शब्द वो दे दो लेकिन वो तो एक ही है अपना त्रिकाली स्वभाव, नाम कोई भी कुछ भी दे सकता है लेकिन वो है अंतर आत्मा। पतारा समय कह रहा है ऐसा आत्मार्थी भव जीव तत्वात् साधनं च करोति नित्यम्, वो करता सब है लेकिन जुड़ता किसी से नहीं, इतनी सी बात। और देखो आखिरी बात, आत्म सुरत के अलावा और कोई आपका जुड़ान तोड़ नहीं सकता, आप अच्छा खुद आप खुद और कोई उपाय बता दो, आत्मा की सुरत के अलावा आप कोई अन्य उपाय बता दो जो आपका पर से जुड़ान तोड़ दे, कोई भी उपाय बता दो। अरे स्वाध्याय भी कर रहे हो पर आत्मा की सुरत नहीं है तो शब्दों के जाल में फंस जाओगे, बुद्धि के शब्दों में फंस जाओगे तो भी जुड़ान नहीं तोड़ सकते। मंत्र जब भी कर रहे हो और मंत्र उच्चारण करने में मन लगा है, मतलब शब्दों में मन लगा है और उस अभिप्राय को तत्व को नहीं पकड़ रहे तो शब्द के मंत्र के जाल में उलझ जाओगे लेकिन उस अंतर आत्मा से जुड़ान नहीं कर पाओगे। भगवान आत्मा आपका पर से जुड़ान तोड़ने का एक ही उपाय है, एक 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 पर पर्याय से पर पुद्गल से जुड़ान तोड़ने का एक ही उपाय है, कौन सा? एक घंटा तो नहीं हुआ फिर, इतनी देर की रामायण में क्या समझ में आया? सिर्फ एकमात्र अपने आत्म तत्व का श्रद्धान करो या एकमात्र अपने ज्ञायक तत्व की सुरत ही आपको पर से भिन्न कर सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय जगत में है ही नहीं। और अपन इस उपाय को स्वीकार करें और इसको धर्म माने तो आज से अपनी प्रोसेस सही दिशा होने लगेगी, अर्थात आज से अपना मोक्ष मार्ग सही दिशा में आगे बढ़ने लगेगा।
भैया अपन बाहर की क्रियाओं को, थोड़ी देर के स्वाध्याय को, थोड़ी देर प्रवचन सुनने को, मंदिर आने को, भक्ति करने को, पूजा पाठ करने को, व्रत करने को, यदि इसे व्यवहार मोक्ष मार्ग मानो कोई दिक्कत नहीं है। ये संयोग है ना, इसे व्यवहार मोक्ष मार्ग मानो कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहार मानना, लेकिन इसे व्यवहार मानना, इसे निश्चय के लिए स्थान मत देना। बस निश्चय में एक ही है और वो कौन है, बस इतनी सी बात है। तत्त्वात् सार्धं च करोति नित्यं, जो इस प्रकार से नित्य अपने स्वभाव का सिद्धांत रखते हैं, संसार मुक्तं शिवशो वीर्यं, वह भव्य आत्मा इस संसार सागर से मुक्त होके शिव शोक वीर्यं शिवपुर अर्थात मुक्ति के अनंत सुख का स्पान करते हैं। इतना कमाल है, सिर्फ आत्मा की स्मृति या प्रतीति या श्रद्धान का, तीनों एक ही शब्द है, अर्थात तीनों का अभिप्राय एक है, श्रद्धा कहो, स्मृत कहो या प्रतीति कहो, बस बढ़ती हुई अवस्था है लेकिन चीज एक ही है, बढ़ती हुई अवस्था है, नाम अलग अलग है लेकिन साधना एक ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तारण स्वामी ने कहा ज्ञानम गुणम माल सुनिर्लेप, देखो भैया ये जो ज्ञान गुणों की माला है ना, सुनिर्लेप, ये स्वयं ही निर्लिप है। अपन यदि ये सोचे कि अपने आत्मा के गुण मलिन है तो अपनी भ्रांति ये हुई। अपने कल भी चर्चा करते इस विषय, कल नहीं परसों, अपन यदि ऐसा विचार करें कि ये आत्मा के जो गुणों की माला है, ये जो तारण स्वामी प्रदान कर रहे हैं, ये तो निर्मल है ही। ये माला रोहण जी में जिन आत्मगुणों की माला को तारण स्वामी ने प्रदान किया है, ये तो निर्मल है ही। लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं क्या कि अंतर में जो आत्मा के गुण है, ज्ञान आदि जो गुण है, वो भी स्वयं ही निर्लिप्त है। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए कीचड़ को स्पर्श नहीं करता, देखो अच्छा कमल की विशेषता देखो, कमल जन्म कहां ले रहा है, कीचड़। कीचड़ इस दुनिया की सबसे गंदी वस्तु अपन मानते हैं, सबसे मलिन वस्तु। कीचड़ का स्वभाव कैसा भैया, दुष्ट अर्थात कुरूप। कीचड़ का स्वभाव कैसा है, कुरूप है, दुर्गंध में है। और कमल का स्वभाव कैसा है, सर्व सुंदर और सुगंध में। कीचड़ कहां पड़ी है, नीचे, और कमल कहां फैला हुआ है, ऊपर। कीचड़ कहां देख रही है, अधो नीचे की ओर, खपन खपन में, और कमल कहां देख रहा है, ऊपर आकाश की ओर, ऊर्ध्वगामी स्वभाव। देखो दो विपरीत वस्तु है एक साथ, कमल मही जन्म ले रहा है, उसी कीचड़ में खिल रहा है, उसी से आहार ग्रहण कर रहा है, उसी से पोषण ले रहा है, लेकिन उसके दुर्गुणों को नहीं ले रहा, ना उसकी बदबू ले रहा, ना उसकी कुरूपता ले रहा, ना उसका अधोगमन स्वभाव ले रहा। बात समझ में आई कि ऊपर से चली गई पूरी की पूरी। आगे कीचड़ से ही खिल रहा है, कीचड़ में ही जन्म ले रहा है, कीचड़ से ही आहार पानी ग्रहण कर रहा है। भोजन कहां से ले रहा है, कीचड़ से ले रहा है, और सूर्य की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उसका पूरा काम चल रहा है, लेकिन कीचड़ के साथ रहते हुए भी उसकी संगति नहीं कर रहा होगा। गजब, ना उसकी बदबू ले रहा, ना उसका कुरूपना ले रहा, और ना उसके सामान नीचे की ओर देख रहा, क्या कर रहा है, ऊर्ध्वगामी स्वभाव, खिला हुआ है, खुला हुआ है, प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहा है, चारों तरफ खुशबू महक रही है, जो उसको देख रहा है उस पर मोहित हो रहा है, और उसकी दृष्टि हमेशा ऊपर की ओर खुली खिली हुई है। देखो रह रहा है कीचड़ के साथ, संगति कर रहा है अपनी पुत्री स्वभाव। अब जब कमल इतना ईमानदार हो सकता है तो मैं आत्मा बेईमान क्यों हो सकता हूं, जल्दी बताओ, चर्चा निकल जाएगी तो फिर वो इस कमल पे खत्म, आज की चर्चा नहीं तो जल्दी बताओ। यदि वो कमल इतना ईमानदार हो सकता है कि वो अपने स्वभाव को छोड़ के कीचड़ की ओर देखता भी नहीं है, कीचड़ से मिलन भी नहीं करता, कीचड़ का एक भी गुण ग्रहण नहीं करता, अर्थात दोष है कीचड़ में, कीचड़ के एक भी दोष को अपने ऊपर लगने नहीं देता, कीचड़ के कलंक को अपना कलंक नहीं बनाता,
ऐसे जो जीव इन कर्मों के कलंक को अपना कलंक नहीं बनाता, वो खिला रहता है ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वगगन गमनम चा सावम, ये ही देखता है मेरा स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन ही है, ये कर्म संयोग तो थोड़ी देर की माया है। जो कीचड़ के साथ अर्थात इन कर्मों के साथ शरीर आदि संयोग के साथ रहते हुए भी हमेशा ऊर्ध्वोन्मुखी दृष्टि रखता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है, सल्य चिंताओं को अपने मन में नहीं बैठने देता, बड़े खिला खुला आनंद में प्रसन्न चित्त बढ़िया सबके साथ हिल मिलकर रहता है, आत्मा की आनंद की चर्चा में मस्त है। भगवान जी उसे कर्मों के बीच में रहते हुए भी कर्मों की संगति नहीं, ऐसे कहते हैं भगवान जी। क्या कहते हैं इसे, कुछ तो बोलो भगवान जी, इसे क्या कहते हैं? अच्छू तो बोल दो, ये कौन है? अरे साक्षी भाव बोलो, ज्ञायक भाव बोलो, जल से भिन्न कमल की तरह बोलो, तत्व श्रद्धान बोलो, आत्म स्मृति बोलो, जो बोलना है बोलो, ये वही परमात्मा है जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है, ये वही सत्य है जिसको सब ढूंढ रहा है, ये वही है जो तुम हो, कोई दूसरा नहीं है। इतनी सी बात स्वीकार हो जाए तो सारे झंझट खत्म। कैसी है ज्ञान गुणों की माला, अच्छी लग रही है? अच्छा एक बार बता, अरे अभी अब वो हीरे की तो मोती में, अरे वो मोतियों की माला बटवाई जाए तो बोले हो गए तारण स्वामी की रत्नत्रय की माला बटेगी तो बोलो, झूठ बोल रहा भगवान, अरे बाहर माला बटने लगे ना सब प्रवचन छोड़ के बाहर दिखाई, चाहे कभी प्रवचन तो कभी भी सुन लेंगे, प्रवचन में कहा था भैया जी तो फालतू है, माला पहले ले लो, यदि वो माला खत्म हो गई तो दोबारा मिलने वाली, सही बात है ना, जब तक वो बाहर की माला का रस है ना तब तक ये रत्नत्रय की माला अच्छी लगने वाली। भगवान जी जिस दिन बाहर की माला जिस दिन ऐसी लगने लगेगी वो तो जड़ है, उस माला की कोई कीमत नहीं है, कब टूट जाएगी और कब बिखर जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन एक बार ज्ञान गुण की निर्मल मालिका अंतर में घुल गई तो ये माला कभी टूटने वाली, एक बार प्रकट हो गई तो अनंत अनंत काल का सुख। इस माला को लेना है कि नहीं, तारण स्वामी दे रहे नहीं अपनी बस के नहीं, तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञानम गुणम माल सुनिर, ज्ञान गुणों की निर्मल मालिका है संक्षेप, और देखो कितने कितने गजब तरीके से दे रहा है, संक्षेप गुतितम तुम गुण अनंत, कि ना है तो तुम्हारे अंदर अनंत गुण लेकिन मैंने इस माला रोहण जी में तुम्हें बहुत सार में भूत से दिए हैं, है तो अनंत जिसे माला रोहण जी में लिखा नहीं जा सकता, करोड़ों करोड़ों जिव्याय अनंत अनंत तीर्थंकर भी एक साथ बोले तो इस आत्मा के एक गुण का वकान होने वाला नहीं, ये माला रोहण जी कहां से समेटेगी? तो तारण स्वामी ने कहा इस माला रोहण जी में थोड़ा सा निचोड़ सार रूप निकाल के तुम्हें दिया, संक्षेप गुणता संक्षेप में निकाल के दिए है गुण, लेकिन तुम गुण अनंतम, तुम तो उससे अपरंपार हो, तुम्हारा कोई आदि अंत, यहां जो दिया थोड़े से है लेकिन तुम तो अनंत हो, ऐसे तारण स्वामी मिलेंगे क्या? क्या कह रहे हैं, यहां जो दिए हैं वो तो थोड़े से है, यहां जो बताए वो तो थोड़े से है, यहां जो झलकाए है वो बिल्कुल रंच मात्र है, सार है, लेकिन तुम लिखा रहे हो हिंदी में लिखा है तुम गुण अनंत, तुम तो अनंत गुण वाला, अब बताओ। तारण स्वामी कह रहा है कि जो मैं लिख रहा हूं, जो बता रहा हूं वो तो बिल्कुल अंश मात्र है, जिस आनंद की मैं चर्चा कर रहा हूं वो तो अल्प है, बिल्कुल संक्षेप में कहा है, लेकिन तुम तो परम आनंद के धनी हो, तुम्हारे आनंद की चर्चा तुम्हारे गुणों की चर्चा की नहीं जा सकती, इतने आनंद हो।
आनंद स्वामी का पूरा फोकस अपने स्वभाव का बहुमान कराने में, ये भक्त जीव अपने स्वभाव का बहुमान कर ले और सिद्धि मुक्ति के फल को चख ले। उनका पूरा बल अपने स्वभाव पे जा रहा है। देखो आगे, रत्ना त्रयम लंकृत सा तारण स्वामी ने कहा है कि ये जीव रत्ना त्रयम लंकृत सा स्वरूप, स्वयं रत्नत्रय से अलंकृत है, ये मांगने वाली वस्तु ही नहीं है। रत्नत्रय जो रत्नत्रय है ना, ये मांगने वाली वस्तु नहीं है। तो फिर ये रत्नत्रय क्या है? रत्नत्रय अलंकृत सा स्वरूप, ये रत्नत्रय तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की शक्ति है। देखो अपन अपनी शक्ति को नहीं जानते इसलिए परेशान। रत्नत्रय आत्मा का स्वभाव है। बाहर के रत्न भैया, सोना हो चाहे चांदी हो चाहे हीरे हो चाहे मोती हो, ये आत्मा के हो ही नहीं सकते। या फिर भैया अच्छा ऐसा कहो, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र भी पर के अवलंबन से होने वाली विभाव पर्याय है, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले आत्मा के अपने ही गुण है और कहीं मिलते मांगने की जरूरत है। किसी ने तारण स्वामी को कहा, तारण स्वामी आप तो भगवान ही बनाए दे रहे हो, आप तो भगवान ही बनाए दे रहे हो, आप तो इंसान इंसान रहे तो थोड़ा सा में आप तो भगवान ही बनाए दे रहे हो। कभी कह रहा हूँ कि अनंत गुणों की निर्माण मालिका तेरे में है, कभी कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो भी थोड़ा है, तू अनंत गुणों का स्वामी है, और फिर वही बच्चे बच्ची कसर रह गई तो नीचे आपने कह दिया कि रत्नत्रय अलंकृत सा स्वरूप, कि तू ही रत्नत्रय से अलंकृत है, आप तो भगवान ही बनाए दे रहे हो। तारण स्वामी कह रहे मैं नहीं बना रहा, क्या कहा उन्होंने, तत्त्वार्थ साधम चा कथितम जयत्र, कि तुम ऐसे ही हो, ऐसा तत्त्व का श्रद्धान करो, ऐसा जिनेन्द्र ने हमने कहा है, मैंने भी उनकी बात मानी है और तुम भी उनकी बात मान लो। तारण स्वामी ने थोड़े बना दिया मोक्ष मार्ग, तत्त्वार्थ साधम उन्होंने भी वैसे ही तत्व का श्रद्धान किया, वैसे ही प्रयोजनी तत्व को अपनी अनुभूति में प्रकट किया, वैसे ही प्रयोजनी तत्व को अपना मान लिया, और जो अप्रयोजनी संसार था इससे दृष्टि हटाई। भैया किसकी आज्ञा मान के? कथितम जयेन्द्र, सर्वज्ञ जयेन्द्र की आज्ञा मान के। अपन किसकी मान रहे बता? तारण स्वामी भी तो पुनि की आज्ञा को फरमा रहे हैं, अरे अपन गुरुदेव की बात मान रहे हैं तो सीधे जिनेन्द्र देव की आज्ञा को मान रहे हैं, क्योंकि कथितम जिनेन्द्र का मूल मंत्र देने वाले इस पंचम काल में तारण स्वामी के हुए हैं, जिनकी हर दो तीन गाथाओं के बाद कथितम जिनेन्द्र कथितम जिनेन्द्र कथितम जिनेन्द्र, जो जिनेन्द्र से लिया है वही तुमने दिया है, कुछ भी नहीं पलटा, कुछ भी मिलावट नहीं करी, जैसा प्योर तत्व का श्रद्धान उन्होंने सर्वज्ञ की वाणी से ग्रहण किया था वैसे ही प्योर तत्व का श्रद्धान अपने को जैसो लियो, स्पष्ट सूत्र है, जैसा लिया था उन्होंने वैसे ही दिया। क्या करना है? देखो भैया जब ऐसी चर्चा राजा सैनिक ने भगवान के समक्ष में सुनी तो राजा सैनिक तिल मिला उठे, अपने अंदर वो नहीं आ रही छटपट आ रही, राजा सैनिक तिल मिला उठे, राजा सैनिक के अंदर से रोम रोम के खड़े हुआ है, राजा सैनिक को ये समझो पसीना छूट गया ठंडा, और पूछने लगे कि हे भगवान श्रेणी भुक्षन्ति श्री वीर नाथा माला श्री अम्मा अग्निने चक्र। अरे राजा सैनिक के हृदय की जिज्ञासा है जाग गई कि हे प्रभु ऐसी अमोलक माला, ऐसे अनंत रत्नों की माला जिसे आप स्वरूप में ही बता रहे हैं, ये माला कैसे मिलेगी? राजा सैनिक अंतर से भाव भाव विभोर होके उस रत्न श्रेणी की मालिका के लिए या परमात्मा के सामने नतमस्तक हो गए, अपना सर्वोच्च समर्पण कर दिया, पूर्णता से भिज गए, हे प्रभु ये माला तो मुझे चाहिए।
वो अनंत, जिसके पास अनंत संपदा है, जो स्वयं सम्राट राजा क्षणिक है, भैया वो राजा कह रहा है, कह रहा है कृपा करो मोहे जानो, दया करो प्रभु मुझे अनाथ जानो, मुझे अनाथ जानो कि मुझे ये माला नहीं मिल रही तो मैं वास्तव में अनाथ ही हूँ, क्योंकि सनात करने वाले तो ये रत्न देगी माला है, जिसको ये मिल जाती है वो तीनों लोगों का ईश्वर प्राप्त कर लेता है, उसी को ईश्वर संज्ञा दी गई है, जो अपने ईश्वर को प्राप्त कर ले जिन शासन में उसी को ईश्वर कहा है। तो ये ईश्वरत्व उनके अंदर में जागृत होता है जिन्हें रत्न त्रयी माला प्रकट हो जाता है। तो अपन बताओ क्या राजा शरीर की तरह जिज्ञासा हो रही कि नहीं आ रही? देखो हमने पढ़ा दे रखा था श्रेणी पुच्छन की श्री वीर माला श्री अम्मा कवि चक्र धरे कि राजा शरीर ने मस्तक नवा के उस रत्नत्रयी की माला को भक्ति भाव से भगवान की परकम में लगाते हुए पूछा, क्या पूछा कि धरेंद्र इंद्र गंधर्व यक्ष और नारायण चक्रवर्ती अनेक विद्याओं के धारी, इनमें से ये माला किसको दोगे आप? भगवान से पूछने लगे कि आपके समक्ष में सब है, इंद्र भी है, धरेंद्र भी है, गणगण भी है, यक्ष भी है, नारायण भी है, चक्रवर्ती भी है और अनेक विद्याओं में धारी भी विद्याधर भी है, किम दित रत्न, अरे ये रत्नत्रय की जो मालिका है किसको दिखाई देगी? बहु भी अनंतम, जो बहुत सारे विद्याओं के धारी होने, जो बहुत सारा छवसम ज्ञान के धारी होने किसको दिखेगी? किम धन अनंतम, जिनके पास बहुत सारा धन होने, बहुभे युक्तम अर्थात जो बहुत सारे विद्याओं से विक्रिया से नाना प्रकार का रूप बना लेते उन्हें किसे मिलेगी? देखो देखो संसार की वस्तुओं की चर्चा, किम तिक्त राज्यम, उन्हें जिज्ञासा हो रही है कि इन भव्य आत्माओं ने, जिन लोगों ने क्या जंगलों में करोड़ों करोड़ों वर्ष की साधना करी है, किम तिक्त राज्यम, जिन्होंने राज का त्याग कर दिया तो उन्हें मिलेगी? वनवास लेकर तो जो वनवास में चले गए क्या उन्हें मिलेगी? किम तव तत्वे को, क्या जो करोड़ों करोड़ों वर्ष से तपस्या करना है क्या उन्हें मिलेगी? बहु भी अनंतम, जो बहुत प्रकार की क्रियाओं में संलिग्न है, बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, क्या उन्हें ही रत्नत्रय की माला मिलेगी? किसको मिलेगी? इनमें से एक को भी नहीं मिलेगी। अपनी रुचि क्या इन्हीं चीजों की है? मिलान करो, राजा श्रेणी के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि इनमें से किसको मिलेगी। और अब देखो वीरनाथ भगवान क्या कहते हैं, श्री वीरनाथ उद्दत शुद्धम शुणु श्रेणी राया माला गुणतम किम रत्न किम अर्य किम राजनाथम किम तत प्रेमम नभिमान। स्पष्ट कर दिया भगवान बोल थे सैनिक राजा के लिए प्रसाद देने के लिए, भगवान की वाणी दीर्घनि फिर उठी और क्या कहते हैं उस अनंत गुणों की माला के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि रत्न कोई काम के नहीं है, ये बाहर के अर्थ राज वैभव कोई काम के नहीं है, ये बहुत सारा तप भी कोई काम का नहीं है, ये नाना प्रकार की क्रिया करने वालों को ये माला मिलने वाली किम रत्न कार्यम बहु भी अनंतम, अरे अंतर की माला के लिए, ये बाहर का धन वैभव कोई काम आने वाला नहीं है, कि अर्थ नहीं गोपी कार्यम कह दिया, ये बाहर का अर्थ, ये धन कुटुंब वैभव परिवार विद्याएं, ये इस माला को प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्यकारी नहीं, किम राज चक्रम किम काम रूपम, भैया ये बड़े बड़े राजा, ये चक्रवर्ती, ये कामदेव जैसे रूप वाले, किम तत् तपेकम, बहुत सारा तप करने वाले, बिन शुद्ध दृष्टि, बिना शुद्ध दृष्टि के सारे बेकार है,
सब बेकार। कोई भी मोक्ष मार्ग को स्वीकार करने वाला अपना क्या हाल चाल है? अभी भी तारा सब, अभी भी भगवान महावीर के लिए उद्धव युद्ध की नहीं है। जय इंद्र धरेन्द्र गंधर्व यक्षम। हे राजसैनिक, जो तुमने इंद्रों की चर्चा करी, धरेन्द्र की चर्चा करी, गंधर्व की चर्चा करी, यक्ष की चर्चा करी, नाना प्रकार के बहुत सारे विद्याधारियों की चर्चा करी, ते नंद प्रकार बहु में जो कृतवम, जो बहुत सारी क्रियाओं में संलग्न है, तप कर रहे हैं, बहुत सारे छयोसन ज्ञान के धारी है, माला निष्ठाम कभी दम है। चयन परमात्मा कहने कह दिया, इनमें से किसी को भी वो गुणों की माला मिलने वाली नहीं। अब बताओ क्या होगा? न धन से मिलेगी, न तन से मिलेगी, न बाहर के किसी पेयों से, और तपस्या और छयोसम ज्ञान से भी नहीं मिलेगी। अब काय से मिलेगी भैया? इसलिए अपना सारा आयोजन ये पर्यूषण इसलिए है। यदि ये कला आ जाए कि पर्यूषण बनाना सार्थक है, यदि जो जिज्ञासा राजा श्रेणी के अंदर में उठी है वो यदि अपने अंदर में उठ जाए, अपने भाव भाव की भ्रमण की पीड़ा खत्म हो जाए, और गुरु महाराज की बात अंदर में बैठ जाए, भगवान का योगदेश चित्र बैठ जाए, जिस दृष्टि सम्यक युक्तम जिनको सत्य इस धरा पे जितने भी भव जी शुद्ध दृष्टि के धारी हैं और सम्यक युक्तम जिन्होंने सम्यक दर्शन जैसे महाभारी रत्न को प्राप्त कर दिया, जो सत्य को स्वीकार करके बैठे हैं, कौन सा सत्य? जिन मुक्त सत्यम जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कहे सत्य को, मन माने सत्य को नहीं, जो मन को सत्य लगता है सत्य वो नहीं, जो सर्वज्ञ जिनेन्द्र ने कहा है वो सत्य है, जिन मुक्त सत्यम जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा सत्य को जो स्वीकार करके बैठे हैं, सुतत्वात् साधनम वो भव्य आत्मा स्वयं में तत्व की साधना या तत्व का सिद्धांत कर रहे हैं। जिन्होंने तत्व का सिद्धांत करके आशा भय लोभ आश्रय तिक्तम, आशा को भय को लोभ को और ममता के भाव स्नेह के भाव को त्याग दिया है, ते माल हृदय वे भव्य आत्मा अपने हृदय को अर्थात अपने मति शुद्ध ज्ञान में इस रत्नत्रय की मालिका को झूलता हुआ देख रहे। यह है तारण स्वामी की दिव्य दृष्टि, जिन्होंने संयोग में रहते हुए भी, संयोगी भावों की भाव के बीच में रहते हुए भी, कमल की तरह कीचड़ में रहते हुए भी, जिसकी दृष्टि ऊर्ध्वगामी कमल की तरह ऊपर की ओर है, अर्थात अपने सिद्ध स्वभाव की ओर जिसकी दृष्टि है, उस भव्य जीव को ये रत्नत्रय की माला ते माल निष्ठां हृदय अंड प्रलिता अपने ही मतेश्वर ज्ञान के बीच में झूलती हुई दिखाई देगी, और वो रत्नत्रय की गुणमालिका का अधिकारी बन जाएगा। राजा शरीर को कहा था भगवान महावीर ने और तारण स्वामी ने आंखों देखा हाल सुना था, ये प्रमाण है कि हमारे तारण तरण देव छोटे काल में भगवान महावीर के समुषण में थे, आंखों देखा हाल सुना रहे। इसके बाद भी हम विश्वास कर रहे कि नहीं कर रहे? आंखों देखा हाल सुधारा तारण स्वामी, अपने को भगवान महावीर का समर्थन तो नहीं मिला, लेकिन तारण स्वामी जैसे संत मिल गए जिन्होंने साक्षात वो घटना देखी थी। तारण स्वामी रुइया जीन और कमलावती ये तीन जीव भगवान महावीर के समर्थन में एक साथ थे, इन्होंने वहां अनेक भव जीवों के राजा शरीर के साथ जो 3919 आत्माएं रही इनकी और ज्योतिर्केंद्रियों और संसार केंद्रों की जो अनुमोदना करी थी, उसके प्रताप से ने पंचम काल में पुण्य प्रताप से अति से कार्य प्रभाव न करने का अपूर्व अवसर मिला, और आज उनके बल पे ये वीरा पंथ जवान है, और ऐसा 21,000 वर्ष में
21 मुनि और ऐसे ही भगवान महावीर के सामने जो जीव थे वो ही आएंगे और वो ही पूरे 21,000 वर्ष तक हर 1,000 साल में इस धर्म की स्थापना ऐसी की ऐसी ही करेंगे। ये शाश्वत धर्म परंपरा पूरे पंचम काल में बंद होने वाली नहीं, अटल से था इसे निश्चित रहो। तुम सोच रहे तुम्हारे नहीं मानने से तारण पंथ को कुछ फर्क पड़ने वाला है, तो नहीं पड़ने तुमने वो जाओ तुम जानो फिर तारण पंथ को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जाओगे निगो तारण पंथ को कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। तो चलती हुई 7 मिनट या 8 मिनट शेष है और टाइम पे हम आपको छोड़ ही देंगे। आपको पता ही है इतने इनमें तो आप जानने लगे टाइम मतलब जल्दी से आप बता दो क्या करना है। क्या करना है यहाँ आके खाली हो जाते हैं खाली बुलाए ये तारण स्वामी के अमृत वचन अपनी जन श्रद्धा में बैठ जाए और इनकी अरे अपने को रत्न करे कि माला ना देखे तो ना देखे तारण स्वामी के वचन तो स्वप्न में भी दिखते रहे कि हमारे तारण स्वामी ने हमसे ऐसा कहा। इतना ही कर लो भगवान जी इतना ही कर लो कि हमें हमारे तारण स्वामी के वचन सोते जागते उठते बैठते दिखाई देते रहे हमारे तारण स्वामी ने हमसे ऐसी कही है। भगवान आत्मा इनके वचनों की सुरति रही तो इसी को आत्म की सुरति कहते हैं। सभी भाता ना जिन वेदम चा सहा बोल गए क्या जिन्हें परमात्मा का वचन और मेरे आत्म स्वभाव में कोई भेद नहीं है। जो आत्म स्वभाव है वही जिन्हें परमात्मा ने कहा है और जो जिन्हें परमात्मा ने कहा है वही मेरा आत्म स्वभाव है। ये दो अलग अलग वस्तुएं नहीं एक ही। अब इससे सरल और क्या लोगे। अब तो आत्मा को देखने की मना कर दे मत देखो तारण स्वामी ने जो कहा वो देखो वो भी उन्होंने आत्मा के अलावा कुछ कहा ही नहीं। यदि तारण स्वामी ने जो कहा वही देखते रहोगे वही स्मरण करते रहोगे तो आत्मा तो अपने आप दिखत रहेगी भैया। वही आत्मा नहीं दिखती भैया आत्मा नहीं दिखती मत देखो गुरु महाराज तो दिखते है ना बस गुरु महाराज के वचन तो दिखते है ना उनकी अमृत वाणी तो दिखती है ना उनकी अमृत वाणी का चिंता और उनकी अमृत वाणी का मन ये तो समझ में आता है यही समझ लो बस बाकी कोई मत समझो और कुछ। गुरुदेव के वचन को सत्य स्वरूप प्रमाण मान के इन्हीं को अपने अंतर में स्वीकार कर कहानी खत्म। अब जल्दी बताओ एक गाथा और ले ले या छोड़ दो। वैसे अभी मैं खुद के 5-4 मिनट बाकी हूँ। चलो गाथा नंबर 25 जिन सम्यक्तिहारी बहुगुण समृतम् ते मालिष्टाङ्गलेखान्तलिका मूर्तिसर्वेषां प्रतिराजयेन। ये सके मोक्ष मार्ग जिनस उत्तम किसके द्वारा कहा हुआ ये बात जिनेन परमात्मा के द्वारा कहा हुआ क्या कि जय शुद्ध दृष्टि इस धरा पे जो भी शुद्ध दृष्टि का धारी है उसके गुण नहीं गिन सकते आप। क्या कह रहे हैं सम्यक्त धारी बहुगुण समृद्ध इस ब्रह्मांड में जिसने भी आत्म स्वभाव की दृष्टि को ग्रहण कर लिया है वह सम्यक्त धारी बहुगुण समृद्ध उस सम्यक्त धारी में अनंत अनंत गुणों का प्रकाश हो गया है उसके गुणों की गिनती नहीं की जा सकती। बहुगुण धारी जिसने इस धारा में जिसने स्वभाव की दृष्टि को प्रकट कर लिया वह सम्यक्त धारी बहुगुण समृद्ध कितने गुणों का धारी है। इसलिए कहते हैं भैया एक सम्यक्त अनंत गुणों का स्वामी है। आप एक सम्यक्त को ग्रहण कर लो और अनंत गुण स्वयं भी ग्रहण
हो जाएंगे। एक आत्मा में अनंत गुण है, एक आत्मा को जान लो अनंत गुणों का अनुभव प्रकट हो जाएगा। आत्मा से गुण अलग अलग थोड़ी ना, सम्यक से गुण अलग अलग थोड़ी ना, एक आत्मा को जान लिया मतलब अनंत गुणों को जान लिया, अनंत गुणों का धारी का अनुभव कर लिया तो अनंत गुणों का अनुभव कर लिया। जिनस उत्तम जैसे दृष्टि सम्यक धारी बहुगुण सम्यक्तम ते माल रिष्टा हृदय भैया, उसे अनंत गुण हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सम्यक दृष्टि है तो हमें उसके गुण दिखाई नहीं दे रहा है, अरे तुम्हें दिखाई दे या नहीं दे, ते माल रिष्टा हृदय कंठम, अनंत गुण उसको अपने हृदय और कंठ के बीच में जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। जो सम्यक दृष्टि है उसे अपने हृदय कंठ के बीच में ऐसे अनंत गुण दिखाई दे रहे हैं, हे मार दृष्टा हृदय कंठ वृंदा, और वो भव्य आत्मा जिन्हें परमात्मा को फरमान मुक्ति प्रवेश कवितम जय, और जिसे ऐसे गुण अपने हृदय में छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भव्य आत्मा मुक्ति श्री में प्रवेश करेगा, ऐसा साक्षात सर्वज्ञ जनेन्द्र देव का कथन है, जो सत्य है वास्तव में स्वीकार है तो हम भी उसे लाएंगे लगे। एक आखिरी बात कहकर खत्म, तारण स्वामी मोक्ष नहीं गए, एक बार आएंगे, सिर्फ एक बार आएंगे, और जहां तक है काल से गणना निकाल है तो शायद भगवान राजा श्रेणी के समूह श्रेणी के काल के कभी बीच में तारण स्वामी भावलिंग मुनि बन के आए थे, और जिन जिन भक्त जीवों को अनुमोदना पड़ी है तारण स्वामी का आशीर्वाद अनुमोदनी श्रेणी अलग मुक्ति, जिस जिसकी अनुमोदना पड़ी हुई है जिस जिसके कनेक्शन जुड़ गए हैं वो सब उनके केवल ज्ञान के साथ उन सबका। अब हम धीरे धीरे कह दी हमने, बस जिसे समझ में आ गई तो समझ लो और नहीं आए तो भटको। बोलिए गुरु महाराज।